नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो जो प्रतिवेदक यानी बिहार विधान परिषद रिपोर्टर की एग्जाम हुआ है, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो सोल्व करने पर इसका आंसर आएगा डी नंबर। जब सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा, बता देते हैं आपको, सेकेंड का भी आंसर डी नंबर आएगा। जब इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कीजिएगा तो यही आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का मूल्य इतना रुपया है, तो ऐसे 5 लॉकेट तथा 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का एक तिहाई अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री को इतना रुपया दिया तो मिले हो तो उससे सारी संपत्ति का मूल्य कितना होगा। तो जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 15 लाख रुपया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 है कि यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दे तथा हर में 350% की वृद्धि कर दे तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो 5 का आंसर होगा सही 15/17, इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 6 नंबर का आंसर होगा डी 2% की कमी, इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी 16/2/3%। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 5 गुनी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा 10 वर्ष, इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 900 रुपये की राशि पर 4.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक आदमी के 7 बच्चे थे, जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी तब 6 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो गई, तो शेष 6 बच्चों की औसत आयु है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 13 वर्ष, इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या है। तो 11 को जब आप सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 87। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा 3, इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में से 7 जोड़ने पर इसका अनुपात 2:3 हो जाता है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 49 आएगा आंसर। नेक्स्ट है 14 नंबर, देखिए कि किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 42 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा 16,800 रुपया, सही आंसर इसका। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपया का लाभ हो। जब आप क्वेश्चन नंबर 15 को सही कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 800 रुपया।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि 36, 34, 30, 28, 24 प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो 16 का सही आंसर आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 20 यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को जब आप सोल्व कीजिएगा तो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो 17 का आपका आंसर होगा 17 और 19, यहाँ पर 3 2 हो रहा है, 10 2 12 हो रहा है, तो उसी तरह यहाँ पर भी आप जब सोल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को जब आप सोल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर ए आएगा, हमने सोल्व कर लिया, आप भी सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर, यानी जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या इसका आंसर आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी आ जाएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 12 के स्क्वायर करने पर 144 आ रहा है, उसी तरह 20 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 400 आ जाएगा। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर है, जब आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 होगा, उसी तरह आप 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 होगा और 9 का क्यूब कीजिएगा तो 729 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, 5 में 7 का गुणा कीजिएगा तो 35 होगा, 7 में 7 का गुणा कीजिएगा तो 49 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इतना को सोल्व करने पर 8 को सोल्व करने पर इतना आ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24 को जब आप सोल्व कीजिएगा तो देखिए इसमें है कि 11 का क्यूब किया है, उसके बाद माइनस 11 का क्यूब करके माइनस 11 का स्क्वायर घटा दिया है, उसी तरह जब आप सी ऑप्शन को सोल्व कीजिएगा तो वही आंसर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी हो जाएगा, इसमें गुणा किया है 7 × 3 × 7 = 21 प्लस 3 = 24 किया है, उसी तरह 23 में 3 का गुणा करके आप प्लस 3 जोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ल्यूट को म्यूट लिखा जाता है, फेट को गेट लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ब्लू को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए हो जाएगा, जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि सांकेतिक भाषा में ट्विंकल को इस प्रकार से लिखा जाता है और उसी सांकेतिक भाषा में फिल्टर्स को इस प्रकार से किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसका 27 का सही आंसर आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, उसी प्रकार से इसको आप अरेंज करना है, एक जोड़ रहा है एक घटा रहा है, एक जोड़ रहा है एक घटा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब सांकेतिक भाषा में फेवर को इस प्रकार से लिखा जाता है तो सांकेतिक भाषा में डेंजर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जब इसको सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को तो इसका आंसर सी आ जाएगा 48। क्वेश्चन नंबर जब 31 को आप सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुणा भागा का चिन्ह का अदला बदली करके इसको सोल्व करना रहता है, तो आप इसका 32 का आंसर सही ए कर लीजिएगा। 33 का सही आंसर होगा आपका, जब 33 को सोल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी -60। जब 34 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 0। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ हैं, ए और बी एक विवाहित जोड़ा है जिसमें ए पुरुष सदस्य है, डी सी का इकलौता बेटा है जो कि ए का भाई है, ई डी की बहन है, बी एफ की बहू है जिसका पति मर गया है, तो इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व कीजिएगा तो 35 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, माँ हो जाएगा। 36 को जब आप सोल्व कीजिएगा तो इसका बी आएगा।
38 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 कितने पुरुष सदस्य पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा। 39 का आपका सही आंसर सी हो जाएगा, माँ। 40 है कि एक दल में 5 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस और टी। दल में एक चिकित्सक, एक वकील और एक कलाकार है, पी और एस अविवाहित विद्यार्थी हैं, टी एक पुत्र है जिसका विवाह दल के एक सदस्य के साथ हुआ है, क्यू पी का भाई है और वह ना तो चिकित्सक है ना ही कलाकार है और चिकित्सक नहीं है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 40 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 40 का आपका आंसर ए हो जाएगा। 41 का आपका आंसर सी हो जाएगा, 42 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 43 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 44 का आंसर सी हो जाएगा, 45 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा, 46 नंबर दिया है कि पृथ्वी की संरचना में मेंटल के नीचे अवस्थित कोर और मुख्यतः इसका बना होता है, किसका बना होता है ये पूछ रहा है आपका, तो इसका 46 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, लोहा और निकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिया है, तो इसका सही आंसर 47 का डी हो जाएगा, नरसिम्हन समिति। 48 है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था, तो इसका सही आंसर तुगलक वंश हो जाएगा। 50 है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। 51 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड डॉफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, तो इसका था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 52 है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 53 है कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो इसका सही आंसर होगा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैप्सियन सागर से नहीं लगती है, तो इसका 54 का सही आंसर हो जाएगा आपका इराक। क्वेश्चन नंबर 55 है कि स्ट्रांबोली एक ज्वालामुखी है, तो इसका सही आंसर होगा 55 का बी, जागृत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घाना तो बताना है कि कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 382। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का बी, क्योंकि नाथुला सिक्किम में स्थित है, लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतक हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में है। क्वेश्चन नंबर 58 के संप्राय मैदान संबंधित है, तो 58 का सही आंसर डी हो जाएगा, नदी से। क्वेश्चन नंबर 59 है कि IIFM कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से हमारे देश में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है कि वायु की गति मापन किया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि एनीमोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 62 है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन किस अनुसूची में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 338। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 65 कि निम्नलिखित में किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। क्वेश्चन नंबर 66 है कि देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वव्यापी पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो आप सभी लोग जानते हैं मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 68 है कि विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1829। 69 क्वेश्चन नंबर कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह, हम लोग रंगीला के नाम से जानते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर है कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो शिक्षा से संबंधित था। क्वेश्चन एक था ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है जो कि ऑस्ट्रेलिया के समीप में है। क्वेश्चन नंबर बहत्तर है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 73 है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उससे प्राप्त न हो सके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6 मतों का 1/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष एवं पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस राज्य के विधानसभा उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 75 है कि बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो इसका सही आंसर केरला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन सी है, तो इसका सही आंसर भील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, तो कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 80 है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस परिसीमन को किस वर्ष के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के रोक दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2026 तक के लिए। नेक्स्ट है कि 81 नंबर कि 2023 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 है कि 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। क्वेश्चन नंबर 83 है किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 84 है कि जब आपातकाल के उद्घोषण संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रचलन में हो, तो निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों को प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष के संपोषित कुओं तालाबों और स्नान घाटों का प्रयोग करने में किसी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 86 है कि बीज संपदा एक ऐसी परिघटना है जो तब घटती है जब दो गुणावृत्ति तरंगों की आवृत्ति है, तो इसका 86 का सही आंसर हो जाएगा डी लगभग एक समान हो। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, एंटोमोलॉजी सही है, माइकोलॉजी ये आपका गलत है, पैडोलॉजी मृदा का अध्ययन होता है, फार्मोलॉजी दवा को प्रभाव का अध्ययन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का सी 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 88 कवक के आकार के आकार और प्रकार का अध्ययन कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर हो जाएगा ए माइकोलॉजी। निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुश्रुत।
क्वेश्चन नंबर 90 है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि एक कोशिका के विभाजन के लिए आवश्यक है कि उसे डीएनए की भी प्रकृति हो ताकि हर नई कोशिका को एक समान डीएनए मिले, यह क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यावस्था, 91 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि कपास के कीटरोधी पौधे अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा जीन को विनिर्देश निर्मित किए जाते हैं, तो इसका आप 92 नंबर का आंसर खोज लीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है, तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जो अणुओं द्वारा प्रकाश के वेलोचार प्रकीर्णन के अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। क्वेश्चन नंबर 96 है कि एक रॉकेट या जेट इंजन मुख्यतः किस आधार पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक संरक्षण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि तापमान को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य और ऊर्जा उत्पादन में उपयोग किया जाने वाला अर्धचालक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 99 है कि दुर्लभ गैसें हैं, इसका आंसर आप लोग खोज लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का भी आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हमको नहीं मालूम है।